हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता आई एम सो सॉरी, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था ये वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे काफ़ी वीडियोस एडिटिंग हो चुके हैं, लेकिन वीडियो जब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ तब वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है जो प्रोसेस में होना चाहिए। तो मैंने सोचा ये वीडियो मतलब डिलीट नहीं करने का मैंने सोचा था, क्योंकि किसी को हेल्प हो सकती है। क्योंकि देखो, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो लगेज का प्रॉब्लम होने का चांसेस है। मेरे साथ ये लगेज का प्रॉब्लम इस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ था। मैं घर से आ रहा था तभी, तो मुझे अपनी जर्नी आपको शेयर करनी है। और ये वीडियो हो सके तो प्लीज आपके फ्रेंड्स या आप लोगों ने देखा, आपको अच्छा लगा तो शेयर करो फैमिली के साथ में, या जो फर्स्ट टाइम आ रहे उनको लगेज का चांसेस होता है। ओके, सो आई डोंट लाइक योर टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। वीडियो पूरा देखना प्लीज, और नेक्स्ट वीडियो भी आएगा वो पार्ट थ्री करके गाइस, थोड़ा क्योंकि 5 मिनट्स का वीडियो बना रहा हूँ, फिर नेक्स्ट होगा वो 5 या 3 मिनट्स का होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चेकिंग हो चुकी है, अभी थोड़ा फैमिली को मिलना है और बाबा सी यू करना है। सो मैं देख रहा हूँ उन्हें किधर है। इंडिया आई लव यू, आई मिस यू यार, आई मिस यू इंडिया माय। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 68 जो कि यहाँ पर है। सो डायरेक्ट हम लोग अभी गेट नंबर 68 पे मिलते हैं। एवरी टाइम मैं आता हूँ यहाँ से, मीन्स लाइक मतलब इकडनस फ्लाइट बैठे। सो यही व्यू होता है। रियली यार आई मिस माय इंडिया, क्या करना पड़ेगा, हमें जाना है काम के लिए, एंड ऑफ कोर्स हम काम नहीं करेंगे तो कैसा होएगा। जो फ्लाइट डिले हो गई है, मीन्स लाइक लेट हो गई, लेट नहीं सॉरी जल्दी है, अनाउंसमेंट कर रहे उनके लिए मेरा गेट नंबर 67 इधर है और 68 वहाँ पर है वो, देखो। सो नियर बाय है और 1 घंटा बाकी है, तो उसके पहला फैमिली से मैं बात करूँगा। ओके, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है गेट नंबर 68 की, आप देख सकते हो। सो गाइज, आप देख सकते हो जो बॉम्बे से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और ये 15 आवर्स का डिस्टेंस है। देखो 15 घंटा प्लेन में बैठा था, और उसका आप टाइमिंग देख सकते हो जो 7:50 मीन्स ऑलमोस्ट 8 PM को, और बाद में आप देख सकते हो उसका लॉन्ग डिस्टेंस कितना है और उसका टेम्परेचर कितना है, सब कुछ इसमें डिटेल्स है। ओके, सो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट मेरी दूसरी जर्नी स्टार्ट होगी। और मील में मैंने ये ऑर्डर था, आप देखो इसमें चिकन था, 3 टाइम्स मील था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी मिला क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। ओके, बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, ये मेरी फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हो चुका था, क्योंकि ये लगेज में फ़र्स्ट फ्लाइट कंप्लीट होने के बाद मैंने पिकअप किया एनीवे। लेकिन एवरी टाइम मेरा लगेज डायरेक्ट लास्ट डिस्टेंस पे होता है, मींस लास्ट फ्लाइट होती है वहाँ पर, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मिला। लेकिन बोलते हैं ना, कहावत कहते हैं ना, एक बात जो कि ऊपर वाला साथ में होता है, इसी तरह से एक बंदा मेरे साथ में मुझे मिला, एंड गॉड गिफ्ट मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ आया और मुझे मिला। ये देखो यही मेरा फ्रेंड, वो मुझे मिला और उसने मुझे बोला करके लगेज मीन्स पिकअप करके जाना है। गाइज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि बाहर के इंटरनेशनल फ्लाइट में आप देख सकते हो ऐसे ट्रेन से जाना पड़ता है। आप देखो कन्फ्यूज़ होने का बहुत चांसेस होता है, बेसिकली बहुत बड़ा एयरपोर्ट होता है। अभी ये हम लोग ने लगेज तो वहाँ पर दे दिया, अभी हम जा रहे दूसरी फ्लाइट पकड़ने के लिए। सो हम जा रहे हैं बाय द मेट्रो से,
गाइस हमेशा बोट ऊपर पढ़ना और देखना, ये अक्सर मैं भी इतना कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद भी मैं कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट से गया हूँ, इसके लिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है अभी, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी लगेज का फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मैं भी कंफ्यूज, तो नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूँगा, एवरी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैं फिर से पूछूँगा मेरा लगेज है कहाँ पर मुझे पिकअप करना है, क्योंकि वो लोग चेक करते हैं हमारा जो टैग होता है ना लगेज का, उसके ऊपर वो लोग चेक करते हैं। चलो गाइज आप देख सकते हो जो कि मैंने अभी मीन्स ये मुझे बोर्डिंग पास मिला है, ओके, जो टांपा में मेरी एंट्री होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मीन्स आउट ऑफ कंट्री में समटाइम में एयरपोर्ट पे डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो मुझे स्कैन करके खुद लेना पड़ा बोर्डिंग पास, ये स्कैन करके अनदर बोर्डिंग पास है। और एक बात, लगेज मुझे यहाँ से पिकअप करना पड़ा, ये मेरा पर्सनल लगेज है, ओके। सो अभी हम लोग डायरेक्ट एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर, 10 बजे की मेरी फ्लाइट है 10:26 की, आप देख सकते हो। सो चलो 2 घंटे का सफ़र है, लेट सी। यहाँ से मेरा टांपा की जर्नी है 3 आवर्स का डिस्टेंस है, ओके। बाय द वे अभी जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। गाइस मेरा एक्सपीरियंस मीन्स 5-6 कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 5 ईयर अबाउ, फिर भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम हो गया है। प्लीज़ ध्यान से सुनना क्या प्रॉब्लम है, लाइक लगेज के बारे में, ओके। लगेज मुझे लगा डायरेक्ट टांपा में मिलेगा, जब मैं इंडिया में एयरपोर्ट में पूछा उसने बोला टांपा में मिलेगा, और मेरे यहाँ पर भी लिखा है बोर्डिंग पास पे कि टांपा पे, ओके। सो ये देखो, हाँ यहाँ पर ये देखना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, जब मैं यहाँ पर आया ना इस एयरपोर्ट पे मीन सेकेंड फ्लाइट पकड़ने से पहला, मेरा नसीब अच्छा है, मेरे को एक फ्रेंड मिला, ये देखो। सो ये मुझे फ्रेंड मिला मेरा, तो यहाँ से मैं निकलूँगा अभी टांपा से, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना लगेज के ऊपर, अगर लगेज बाय चांस मिसअंडरस्टैंडिंग आप छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम होएगा, ओके। सो हमेशा अभी नेक्स्ट टाइम से मैं पूछूँगा, लाइक आप फर्स्ट फ्लाइट इंडिया से आ रहे हो तो पूछो सेकेंड बोर्डिंग पास होएगा या उसके पहले भी पूछो, ओके। पूछने में 1-2 मिनट चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस होएगा, ओके। अभी डायरेक्ट हम मिलेंगे होटल में, 3 आवर्स का डिफरेंस है, तो सब मैं ब्लॉक में ऐड नहीं करूँगा, लगेज पिकअप करूँगा वहाँ से, फिर डायरेक्ट हम मिलते होटल में, ओके। सो सी यू, बाय बाय।